வர்ணாலயா சினி கிரியேஷன்ஸ் வழங்கும் கீரா இயக்கத்தில் சமுத்திரகனியின் நடிப்பில் எட்டு திக்கும் பர மார்ச் 6 முதல் உலகமெங்கும் of hindi and english versions of the standing committee on transport tourism and culture item number 18 dr pritam mudne ji with your kind permission sir I beg to lay on the table a copy of each of the following reports hindi and english versions of the standing committee on health and family welfare item number 19 sri g kishan reddy ji honorable speaker sir with your kind permission I raise to lay on the table of the statement regarding the status of implementation of the 212th report of the standing committee on home affairs on action taken by government the recommendations observations contained in 204th report of the committee on administration and development of union territory of Lakshadweep pertaining to the ministry of home affairs item number 20 sri nityanand rai ji adhyaksh mahoday aapki anumati se मैं गृह मंत्रालय से संबंधित सीमा की रक्षा करने वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीमा सुरक्षा बल भारत तिब्बत सीमा पुलिस सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स के कार्य की स्थितियों विषय पर गृह कार्य संबंधित अस्थायी समिति के 214वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति सभा पटल पर रखता हूं। साथ ही मैं गृह मंत्रालय से संबंधित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कार्य की स्थितियां विषय पर गृह कार्य संबंधी अस्थायी समिति के 215वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों टिप्पणियों के कार्यान्वयन के स्थिति सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 21 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी बिल इंट्रोडक्शन है बिल सर आई राइज टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस अ बिल फर्दर टू अमेंड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 श्री एन के प्रेमचंदन जी सर सौगत राय जी अधीर रंजन चौधरी जी दीन प्रिया कोश जी प्रश्न ये कि विधेयक को पुरस्कृत करने की अनुमति प्रदान की जाए जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए जो सदस्य विरोध में ना गए मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है माननीय मंत्री जी विधेयक प्रस्तावित करें आई इंट्रोड्यूस द बिल सर मैं एक मिनट आपको आप जिस विषय में बात करूँ एक मिनट व्यवस्था दूँ आप बैठे हो व्यवस्था दूँ एक मिनट नहीं नहीं माननीय सदस्यगण आप जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं आप सभी ने सर्वसम्मति से ये फैसला किया कि सत्ता पक्ष ने कहा कि आसन व जो भी व्यवस्था देगा वह हम निर्णय स्वीकार करेंगे मैंने आपसे भी चर्चा की आपसे भी चर्चा की सदन में सभी दलों के नेताओं से चर्चा की मेरा मानना है कि सदन में सहमति असहमति हो सकती है लेकिन देश हित में अपन को सब काम कर रहे हैं और इस समय देश की परिस्थिति को देखते हुए मेरा विचार है कि मैं जिन विषयों पर आप कह रहे हैं आप आज ही मैं व्यवस्था दे देता हूं और क्योंकि अभी होली का पर्व है होली सौहार्दपूर्ण तरीके से मने सबको मने आप मेरी बात सुने सरकार इस विषय पर चर्चा करने को तैयार है और सरकार ने कहा है होली के बाद आफ्टर
स्पीकर से उनके बाद 11 तारीख को इस विषय पर चर्चा होना चाहिए। आपने चर्चा मांगी हो, सरकार चर्चा को तैयार है। आप तैयार है सरकार चर्चा में? सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है और ऐसी परिस्थिति में हमें सदन में चर्चा करना चाहिए। सरकार चर्चा करिए, आप सीट पर जाकर चर्चा किए। सदन चर्चा करने के लिए, संवाद करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए नौ आप चर्चा करिए, संवाद में बैठिए, बात करिए, होली का अच्छा पर्व मनाइए, सौहार्दपूर्ण तरीके से देश में चर्चा होना चाहिए। आप भी होली मनाए, सब होली मनाए, देश भर में होली मनाए। आप माननीय वरिष्ठ सदस्यों से सीखे, कोई वरिष्ठ सदस्य सीट पर छोड़ के नहीं आता है। आज हम सब लोग अनुसूचित जनजाति सामाजिक कल्याण पर चर्चा करना चाहते हैं। सामाजिक कल्याण का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आपके मुख्य सचेतक ने कहा कि सामाजिक कल्याण पर चर्चा होना चाहिए, दो दिन तक चर्चा होना चाहिए। समाज कल्याण विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते? आप दलित शोषित पीड़ित व्यक्तियों पर चर्चा नहीं करना चाहते? सदन में हल्ला करने आए क्या? चर्चा करो, संवाद करो, बातचीत करो। लोकतंत्र के मंदिर में मैं आप सबको आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप चर्चा करें, संवाद करें। सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन सदन में चर्चा होनी चाहिए। Is absolutely the need of the hour. We've had in this country very recently the Punjab Maharashtra Cooperative Bank, which is a multi-state cooperative bank, which unfortunately has put a lot of depositors, small, medium-sized depositors, to difficulty. Constantly, there is this request that the government should do something about it. Under Prime Minister Modi, we have ensured that the deposit insurance be increased from 1 lakh to 5 lakh, so that common citizens who have saved their money can be sure that whatever be the difficulty, their money will be safe in the banks. Opposition thinks they can stall the demands of the small deposit holders who are looking up to the government for some activity, for some protection. And if the small and medium depositors are being denied their right, it's a shame. It's a shame. They are against all the small and medium depositors of this country. The small and medium. माननीय सदस्य, मैंने आसन से व्यवस्था दे रखी है। एक भी माननीय सदस्य ने क्रॉस बॉर्डर किया, चाहे इधर के हों चाहे इधर के हों, मैं इमीडिएटली पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दूंगा। बैठिए बैठिए, आप बैठिए बैठिए। एंड वी हैव रेस्ट द डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख इन ऑर्डर दैट वी गिव द प्रोटेक्शन। नाउ at this time, without this amendment, the depositors are going to be in difficulty. So I appeal to everybody to please take into consideration this amendment. नियम संशोधन अधिनियम के अधीन जो भी मामले हो सदा बदल पर रख दीजिए। नियम श्री संशोधन के अधीन जो भी मामले हो सदन के पटल पर रख दीजिए। आप ऐसा मत करिए, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से आग्रह कर रहा हूँ, अपनी सीट पे जाइए। मैं जिन विषयों पर आप कह रहे हैं विषय पर सरकार चर्चा करने को तैयार है, मैं सरकार चर्चा करने को तैयार हूँ, विस्तृत चर्चा करने को तैयार हूँ। आप विषय पर रखें, नारेबाजी नहीं करें। नारेबाजी के लिए सदन के बाहर नारेबाजी करें, आप चर्चा करें। महत्वपूर्ण बिल है, महत्वपूर्ण बिल है, मान्य महत्वपूर्ण बिल है। आप बैठिए। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए,
मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने तो प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक बार खंडवा विचार करेगी। स्वागत राज्य संसद संख्या 1 एन के पंचायत संसद संख्या 11 माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 13 से 15 माननीय सर बैठो ना चलते हो सर आई इंट्रोड्यूस द बिल विद अमेंडमेंट्स मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन 13 से 15 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य पक्ष में आ गए जो सदस्य विरोध में ना गए मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न की खंड 2 विधेयक तथा संशोधित विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में आ गए जो सदस्य विरोध में ना गए मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में निर्णय स्वीकृत किया। स्वागत राय जी सुरेश जी नो माननीय मंत्री जी नो आप चर्चा करो ना मैं चर्चा करने को तैयार हूँ। आपको अधीर रंजन जी आप चर्चा कराइए संशोधन संख्या 16 एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद प्रत्येक माननीय मंत्री पर कंसीडरेशन 16 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हां गए जो सदस्य विरोध में ना गए मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न की खंड 3 संशोधित विधेयक अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में आ गए जो सदस्य विरोध में ना गए मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष में खंड चतुर्थ विधेयक अंग बने। स्वागत राय संशोधन क्या 4 और 5 माननीय मंत्री संशोधन क्या 4 18 आई मूव द अमेंडमेंट सर नो प्रश्न मंत्री जरा प्रस्तुत संशोधन स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में आ गए जो सदस्य विरोध में ना गए मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष में संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न 1 खंड 4 विधेयक अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में आ गए जो सदस्य विरोध में ना गए मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष में हुआ। खंड 4 यथा संशोधन विधेयक अंग बने। स्वागत राय जी माननीय मंत्री जी संशोधन संख्या 19 ये तरीका नहीं है भाई चर्चा नहीं ठीक है। प्रश्न ये कि नो मंत्री द्वारा प्रस्तुत संशोधन के 19 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में आ गए जो सदस्य विरोध में ना गए मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ और संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न 1 खंड 5 विधेयक यथा संख्या बने। जो सदस्य के पक्ष में हां गए जो सदस्य विरोध में ना गए मेरे विचार निर्णय हवालों के पक्ष में हुआ। खंड 5 तो संशोधन विधेयक नो। प्रश्न 1 खंड 6 विधेयक अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हां गए जो सदस्य विरोध में ना गए मेरे विचार में निर्णय हां वालों के पक्ष में हुआ। खंड 6 विधेयक अंग बने नो। स्वागत राय द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 8 स्वीकृत किया जाए। सदस्य के पक्ष में आ गए जो सदस्य विरोध में आ गए माननीय मंत्री संशोधन संख्या 20 नो अमेंडमेंट सर नो। आप सदस्य अपनी सीटों बैठिए सत्ता पक्ष के सदस्य माननीय अपनी सीटों बैठिए आप अपनी सीटों बैठिए आप अपनी सीट पर बैठिए अपनी सीट में बैठिए मैडम आप इनको समझाइए अपनी सीट में बैठिए अपनी सीट में बैठिए आप बैठे अपनी सीट पे बैठिए।